हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ सकते हैं और आपको राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए क्या डॉक्यूमेंट और क्या पात्रता आपके पास में होनी चाहिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आपको राशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका राशन कार्ड है वो आपका खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको राशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको अपना राशन कार्ड है उसको आपको राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना होता है, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। आपको अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जिस राज्य से निवास करते हैं आपको उस राज्य की खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पे भी आके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आधिकारिक वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना और राशन कार्ड आवेदन हेतु फॉर्म, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे तीन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको ई मित्र या सीएससी सेंटर के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने या राशन कार्ड में संशोधन करवाने हेतु पहला फॉर्म मिल जाएगा, और दूसरा फॉर्म है आपको खाद्य सुरक्षा योजना का। यानी अगर आप राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो नंबर का ऑप्शन है, जिसमें आपको यह फॉर्म मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी है वो आपको सही से भर देनी है। इसके बाद आपको राशन कार्ड में आपके जितने भी सदस्य हैं उनका आधार कार्ड, आपके पुराने वाले राशन कार्ड की फोटोकॉपी, आदि जो डॉक्यूमेंट है इनकी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच कर लेनी है। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को अपने जिले के खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है, जिसके बाद अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं तो आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा और आपको हर महीने राशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये राजस्थान में योजना शुरू नहीं की गई है, लेकिन इस योजना को जल्द ही शुरू किया जाएगा। जैसे ही इस योजना को शुरू किया जाएगा आपको हम एक नया वीडियो बना के सबसे पहले जानकारी देंगे, जिसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको राजस्थान राशन कार्ड से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आने वाले ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।